वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपैरिजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंपैरिजन किस बेस पे? मतलब जब हम किसी कंट्री को कंपेयर करते हैं तो बेसिकली कंपैरिजन के लिए क्या पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन करने से पहले हमें दो तीन बातें क्लियर करनी पड़ेगी। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम पे तीन ही सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रेजरी। ये हम पिछले कई वीडियोस, दो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि तीनों के तीनों सेक्टर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी टर्शरी जुड़ा, सब के सब एक दूसरे इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं पूरे देश की एक्टिविटीज का, तो सबसे पहला पॉइंट आता है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। ऑल सेक्टर्स आर इंटरलिंक्ड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। कि देश में तीन ही सेक्टर है और तीनों सेक्टर जब एक साथ काम करेंगे तभी देश में डेवलपमेंट हो सकता है, तभी हम कुछ खा कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट आपने कॉटन उगाया, कॉटन मतलब रुई, वो कहाँ पे आई? प्राइमरी सेक्टर से। फिर वो कॉटन पहुंचती है फैक्ट्रीज में, वो कौन सा हो गया? टेक्सटाइल, जहाँ कपड़े बन रहे हैं। तो कपड़े कहाँ बन रहे हैं? फैक्ट्रीज में। वो कौन सा सेक्टर हो गया? सेकेंडरी सेक्टर। फिर वो कपड़ा मार्केट तक पहुंचेगा, तो मार्केट तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन। इवन दो ट्रांसपोर्टेशन तो कॉटन को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए भी चाहिए। तो कहने का मतलब, जब ये सारे सेक्टर मिलकर काम करेंगे तभी हम देश में कुछ खा कमा पाएंगे और कुछ देश के लिए प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर पाएंगे जिससे पैसा जनरेट हो। तो सबसे पहले हमें इंटरलिंकिंग को समझना पड़ेगा कि देश जो होते हैं उनकी सारी एक्टिविटीज आपस में इंटरलिंक्ड होती है। देन सेकेंड टर्म इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम फाइनल गुड किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए कंसेप्ट देते हैं हम। फाइनल गुड किसे कहेंगे? पैसे फाइनल गुड्स होते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम बाय कंज्यूमर, मतलब वो सामान जो कंज्यूमर लाया और उसे कंज्यूम कर ले, यूज कर ले। जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, सपोज मैं चौक से लिखता हूँ तो चौक जो है आपकी फाइनल गुड है। इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने गेहूं उगाए, वीट जिसे कहते हैं, तो कहां से आती है? प्राइमरी सेक्टर से। अब उस गेहूं से बनता है आटा, फ्लोर। बेसिकली फ्लोर पिसाई करनी पड़ती है, पिसाई के लिए फैक्ट्री चाहिए, वो आ गया आपका सेकेंडरी सेक्टर। फिर उस वाली फैक्ट्री से उठ के गेहूं पहुंचा कहां? बिस्किट वाली कंपनी में, जहां पे आटे को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? बिस्किट में, वो भी आपका सेकेंडरी सेक्टर ही। अब जो बिस्किट्स हैं वो आपके फाइनल गुड्स हैं। फाइनल गुड्स कहने का मतलब यह है कि अगर मैं कहता हूँ कि 10 रुपए का बिस्किट है, तो 10 रुपीज में इस गेहूं की वैल्यू भी जुड़ चुकी है और गेहूं जो आटे में सकती है, मतलब इस ये बिस्किट जो है सबको कवर कर रहा है। तो जब हम देश का जीडीपी निकालते हैं, दैट इज थर्ड पॉइंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम इन चीजों को नहीं लेते, इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं इन्हें, जो ये वाले गुड्स हैं नीचे वाले, इन्हें हम कैलकुलेट नहीं करते, हम सिर्फ फाइनल गुड्स की कैलकुलेशन लेते हैं। क्योंकि जब हम फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं तो फाइनल गुड्स की वैल्यू में ये दोनों अपने आप ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो जब भी देश में, हमें ये देखना होगा कि देश भर में काम क्या हो, इस साल हमने कितना काम किया, कितनी प्रोडक्शन करी, तो हम ये नहीं कि गेहूं की प्रोडक्शन अलग काउंट करेंगे, आटे के अलग करेंगे, बिस्किट के अलग, हम सिर्फ बिस्किट जो फाइनल गुड है, जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उसे हम कैलकुलेट करते हैं, इनको हम छोड़ देते हैं। रीजन, क्योंकि ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। क्लियर है बात? देन आपका आता है जीडीपी। जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक डिनोट करता है देश को, अपनी कंट्री को, इंडिया को, और प्रोडक्ट मतलब जो आप प्रोडक्ट बना के तैयार होते हो, प्रोडक्ट बेसिकली जैसे बिस्किट बन के तैयार हो। अब देश में तो बहुत चीजें बन रही है, बिस्किट बन रहे हैं, मोबाइल बन रहे हैं, नमकीन बन रहे, पता नहीं कितने तरह की चीजें बन रही है, कमोडिटीज बन रही, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है। अब हम उन सबको ऐड करते हैं जो फाइनल गुड्स होते हैं, जैसे अभी आपको बताया गया फाइनल गुड्स क्या है, बिस्किट, इन्हें नहीं करेंगे। जैसे सपोज एक बुक बन के तैयार हो, तो ये नहीं कि कागज को, लकड़ी को अलग काउंट करेंगे, लकड़ी से कागज में उसे अलग काउंट करेंगे, फिर कागज से बुक्स में उसे, ना, फाइनल जो बुक बन के तैयार हो उसे काउंट करें। टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स की जीडीपी जब देश का कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें फाइनल गुड्स को जोड़ा जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो। और एक पर्टिकुलर साल की, जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मली एक टाइम पीरियड आता है, टाइम पीरियड यहाँ पे एक साल मतलब 12 महीने, मतलब 12 महीने में हिसाब करके देखते हैं कि इस साल हम लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया।
तो जीडीपी निकालने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? ये वाले वेट फ्लोर, ये सब इंटरमीडिएट्स हैं। इनसे फाइनल क्या बन के तो बिस्कुट जो कंज्यूमर ने कंज्यूम किया डायरेक्टली, उसके अलावा फिर उसका कोई वो प्रोडक्शन फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती। वीट गेहूं लिए उसकी प्रोसेसिंग में, गेहूं को कन्वर्ट किया आटे में, आटे को कन्वर्ट किया बिस्किट, बिस्किट को तो कन्वर्ट नहीं कर रहे ना, वो तो कंज्यूम कर रहे, तो बिस्किट आपका फाइनल गुड कहलाएगा। तो जब हम देश का जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम फाइनल गुड्स को कंसिडर करते हैं, उनकी वैल्यू को कंसिडर करते हैं। और जीडीपी कैलकुलेट करने का काम किसका होता है? दैट इज सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, एक आपने मे बी पॉसिबल आपने एनएसएसओ के बारे में सुना होगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ। तो बेसिकली सीएसओ एनएसएसओ में ही आती है, उसी की एक ब्रांच है। तो देश का जीडीपी कैलकुलेट करना किसका काम है? सीएसओ। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं देशों का, सेक्टर्स वगैरह में कंपैरिजन की बात आती है, तो कंपैरिजन के लिए पहले आपको इन चीजों के नॉलेज का होना जरूरी है कि हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, ठीक है, फिर आपका फाइनल गुड सर्विस किसे कहते हैं या जीडीपी क्या होता है।